हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेक्स्ट टूल सीखेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ से पेज की साइज सिलेक्ट करके ओके दीजिए। आप यहाँ देख सकते हो आपको एक ब्लैंक पेज मिला है। टी टूल का यूज करके आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखा है जहाँ से आपको फॉन्ट की स्टाइल जो सिलेक्ट करनी है। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दी हुई है, फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करिए। आप यहां से फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहां पे आपको ट्रैक दिया है, ट्रैक सिलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट की साइज दी है और फॉन्ट की स्टाइल दी हुई है, हम स्मूथ सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहां पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखनी है आप लिख सकते हो। जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं टेक्स्ट, यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट को कलर देना है तो टेक्स्ट सिलेक्ट करिए और टेक्स्ट की साइज चेंज करिए। कलर सिलेक्ट करके, कलर आपको जो भी देना है कलर सिलेक्ट करके ओके दीजिए। आपकी टेक्स्ट को कलर अप्लाई हो जाएगा। रैप टेक्स्ट में जाके आपको जो स्टाइल में टेक्स्ट को रैप करना है आप रैप कर सकते हो। आप देख सकते हो टेक्स्ट कैसे रैप हो रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, अपसाइड डाउन साइड, जैसे आपको स्टाइल में सिलेक्ट करना है आप वो उस स्टाइल में टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। आपको एरोस भी दिए, लेफ्ट और राइट मूव करके आप टेक्स्ट को स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और उसकी वे भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिस स्टाइल में आपको सेट करना है आप उसको सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट रैप हो गई है, ओके दे दीजिए, वो रैप इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। वही चीजें जो हमने टूल बॉक्स में सीखी है आपको यहाँ पे सीधा ही एक बॉक्स दिया होता है, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है मार्जिन, आपको लेफ्ट राइट सेंटर जैसे सेट करना है आप कर सकते हो। एरो टूल से आपकी टेक्स्ट को मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। अगर आपको साइज सेट करनी है तो कंट्रोल टी का यूज करके इमेज सिलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे एरोस दिए जाएंगे, एरोस पे क्लिक करके आप उसको मूव कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, उसकी साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेयर्स दिए गए हैं, टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट मूव कर सकते हो, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करके आप बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो। जैसे हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को कलर अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर अप्लाई किया है हमने। यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर अप्लाई हो गया। वैसे ही नेक्स्ट टूल है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट से हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट स्टैंडिंग स्टाइल में आएगी। आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट लिखी वो पूरी ही वर्टिकल स्टाइल में टाइप हो रही है। अगर आपको मूव करना है तो आप उसको मूव कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो आपकी टेक्स्ट मूव हो रही है। अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है तो आपको पर्टिकुलर लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको लेयर बॉक्स दिया है, जो टेक्स्ट मूव करनी है उसका लेयर सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। नेक्स्ट हम टेक्स्ट पढ़ेंगे टेक्स्ट मार्क टूल। टेक्स्ट मार्क टूल को सिलेक्ट करके हम टेक्स्ट लिखेंगे वो मार्क स्टाइल में कन्वर्ट होकर टाइप होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें टेक्स्ट मार्क स्टाइल में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। अगर उसको मूव करनी है तो आप मूव कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल मार्क टूल। वर्टिकल टेक्स्ट मार्क टूल सिलेक्ट करके अगेन हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, सेम मार्क स्टाइल में टेक्स्ट टाइप होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट टॉप टू बॉटम टाइप हो रही है मार्क स्टाइल में। यहाँ पर टेक्स्ट इमेजिनरी टाइप हो रही है। अगर आपको मार्क टूल, मार्क टेक्स्ट टूल को मूव करना है तो टूल लीजिए और उसको मूव करिए, आप मूव कर सकते हो। थैंक यू।